गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल आईटीआई 247 पर। और आज हम लोग आपके सामने अप्रेंटिस पोर्टल पर कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने वाला हूं। और काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है ये। जितने भी छात्र आईटीआई कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी राज्य से हो और किसी भी आईटीआई से हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, आप सभी लोगों को अप्रेंटिस पोर्टल पर अवश्य रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्टल है गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है। और इसमें किसी भी कंपनी से अगर आपको अप्रेंटिस करना है तो इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। ठीक है, इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने से आपका कोई घाटा नहीं जाएगा, ठीक है, फायदा ही होगा। आपको कुछ अच्छी कंपनियां अप्रोच भी कर सकती हैं और आप भी कंपनियों में अपना फॉर्म भर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो रजिस्ट्रेशन करने के बाद। ठीक है, तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का बताऊंगा कि कैसे उसमें आपको अपना इन्फॉर्मेशन फिल करना है और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको गूगल का पेज ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए हम सीधे चलते हैं अपने गूगल के पेज पर और वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग प्रोसेस को करेंगे। ठीक है, तो अंत तक आप लोग बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि आप लोग के स्क्रीन पर गूगल का पेज दिख रहा होगा, आपको क्या करना है, यहाँ पर सीधे बस टाइप करना है अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन टाइप करना है। देखिए नीचे ही आ गई, अब इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये पेज खुल के आ जाएगा और जो पहला लिंक आपको दिख रहा है ये आप यहाँ पर इसको क्लिक कर दीजिए। इस पर जैसे हमने क्लिक कर दिया तो देखिए ये सीधे आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का पेज खुल गया। पहला मेथड तो ये है। दूसरा मेथड, या तो आपके इसका वेबसाइट आपको पता है, जैसे इसका वेबसाइट देखिए ये है, ये इसका वेबसाइट है https और /apprenticeshipindia.org। देखिए लिख लीजिए इसको कहीं, आप लोग बड़ा इंपॉर्टेंट ही वेबसाइट है। आप इसको लिख कर अब इस पर डायरेक्ट भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप इस पेज को ओपन करेंगे आपको ये पूरा, देखिए मैंने फिर से रिफ्रेश कर दिया इस पेज को और आपको ये पूरा ये होम पेज जैसे दिखेगा। आपको करना क्या है, आपको राइट साइड में यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रजिस्टर, उस पर आपको क्लिक करना है और कैंडिडेट इस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए आपका यही पेज खुल गया जो मेरा मैंने गूगल पे सर्च करके किया था। देखिए यहाँ पर सेम पेज है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक एक करके इन्फॉर्मेशन भरनी है। यहाँ पर देखिए पर्सनल डिटेल्स में देखिए, ठीक, यहाँ पर देखिए अपना नाम देना है आपको, यहाँ पे अपना नाम, ठीक है, और अपना वही नाम देना है जो आपके आधार कार्ड में हो या पैन कार्ड में हो या किसी भी गवर्नमेंट आईडी में आपका नाम जिस स्पेलिंग में लिखा गया हो वही यहाँ पे आपको नाम देना है। ठीक है, यहाँ पे अपने पापा का नाम दे सकते हैं या माता जी का नाम दे सकते हैं या अपनी पत्नी का भी नाम दे सकते हैं। स्पाउस मतलब होता है आपकी जो पति पत्नी है। जैसे क्या होता है कि आपको यहाँ पे रिलेशनशिप भी दिखाना होता है, अगर आपने फादर का नाम दिया है तो यहाँ पे फादर का नाम दे फादर भरेंगे और अगर आपने यहाँ पे मदर का नाम दिया है तो यहाँ पे मदर लिखेंगे और अगर आपने यहाँ पे पति का या आपने पत्नी का नाम रहा है तो यहाँ पे स्पाउस सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ भरना है, ठीक है, और जेंडर। ठीक, यहाँ पे कहा गया है कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं वो आपके किसी सर्टिफिकेट से मैच होना चाहिए। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ आप वही भरें जो आपके टेंथ के सर्टिफिकेट में हो। मोबाइल नंबर आप देख देंगे यहाँ पे। ठीक है, जहाँ भी ये स्टार लगा हुआ है ये आपका क्या है, आपको मैंडेटरी है, ये आपको तो भरना ही भरना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी देनी है, यहाँ पे ईमेल आईडी कन्फर्म कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको पासवर्ड देना है, कोई भी पासवर्ड आप दे दीजिएगा। ठीक है, ये पासवर्ड क्यों मांगा जा रहा है, ये वो पासवर्ड है जिससे कि बाद में आपको यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लॉग इन का ऑप्शन दिया हुआ है, लॉग इन करके आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं इस पे। ठीक है, अपनी सारी डिग्री इसमें आईटीआई का जो भी आप ब्यौरा दे सकते हैं कि आप यहाँ यहाँ से आईटीआई कर रहे हैं। ठीक, या आपने जो भी टेंथ में कितने परसेंट मार्क्स हैं, जो भी अपना प्रोफाइल बना सकते हैं और जितनी भी कंपनियां हैं जहाँ पे वैकेंसी है अप्रेंटिस की वहाँ पे आप अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक, लॉग इन करने के बाद तो यहाँ पे पासवर्ड दे दीजिएगा और यहाँ पर वही पासवर्ड दीजिएगा जो यहाँ पर पासवर्ड दोनों मैच होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आई हैव रीड ये चेकबॉक्स क्लिक कर दीजिएगा और सीधे सबमिट पे यहाँ पे क्लिक करिएगा। सारी अगर इन्फॉर्मेशन आपकी सही है तो ये सबमिट पे क्लिक होने के बाद ये आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको सबसे पहले आपके स्क्रीन पर ही एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और वो कैसा आपको दिखेगा मैं आपको भी दिखा दे रहा हूँ कि वो कैसा आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो दिखाई देता है। ठीक है, तो आप देखिए मैं
यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ। देखिए ये आप जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपको लिख के आएगा यहाँ पे रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, जैसे ही आपने सबमिट बटन पे क्लिक किया आपको लिख के क्या आया, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, प्लीज चेक योर ईमेल फॉर एक्टिवेशन, प्लीज नोट दिस रजिस्ट्रेशन नंबर। ये जो नंबर है आपका जो नंबर आएगा इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। जो भी आपका नंबर आएगा उसको ए से शुरू हो, जिससे भी शुरू होगा, जो भी नंबर आपका, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये आपका अप्रेंटिस पोर्टल का रजिस्ट्रेशन नंबर है। याद रखिएगा आईटीआई का रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होता है और अप्रेंटिस पोर्टल का ये आपका रजिस्ट्रेशन अलग होता है। रजिस्ट्रेशन नंबर ये आपका अप्रेंटिस पोर्टल का है, इसको किसी पन्ने पर लिख लीजिएगा। ठीक है, और फिर ओके क्लिक कीजिएगा। और फिर आप जब लॉग इन पे जाएंगे तो आपको वहां पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा और आपने पासवर्ड जो बनाया हो वो डाल के अपना लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जिनको भी इसमें लॉग इन करने में दिक्कत होगी या अपना रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत होगी वो लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं यथासंभव उनको रिप्लाई करूंगा, बताऊंगा। और सभी लोग इस नंबर को जरूर नोट कर लेंगे, जो भी उनका वो रजिस्ट्रेशन नंबर निकलेगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, और ऐसे ही मैं और अच्छी वीडियो लाता रहूंगा भविष्य में। और आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और हंसते रहा करिए। थैंक यू सो मच। ITI247 Like and subscribe.